हेलो एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको चांडुबी का ट्रिप दिखाती हूँ। तो यहाँ से हम लोग रानी पहुँच गए हैं। देखिए ये रानी का जंगल का रास्ता है। वैसे तो ये रास्ता मेरा आना जाना होता रहता है क्योंकि मेरा गांव चांडुबी के सामने है। तो अभी हम लोग चांडुबी फेस्टिवल में जा रहे हैं। बेसिकली आज लास्ट डे है। ये फेस्टिवल एवरी ईयर मनाते हैं फर्स्ट वीक में। तो अभी हम लोग भगन बाजार में पहुंच गए हैं। यहाँ से मेरा पापा का घर जाते हैं। तो रास्ता बहुत ही डस्टी हो गया है क्योंकि वो रास्ता फिर से बना रहे हैं बड़ा करके। तो ये रास्ता इसलिए ब्लॉक कर रहा है क्योंकि मे भी ये रास्ता मेघालय तक कनेक्ट होगा। यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, इको कैंप वगैरह है, बहुत सारे नेचुरल सीनरीज वगैरह है जो बहुत ही विजिटर्स आते जाते रहते हैं। तो ये कुछ नज़ारे हैं आप देखते रहिए। तो यहाँ से चांदोबी का जंगल स्टार्ट होता है। आप लोग देखते रहिए। तो देखिए ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये सैगुन का ट्री है जो इंग्लिश में टिक बोलते हैं। तो इस पेड़ का जो वुड निकलता है बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी होता है। तो इस वुड से वैरायटीज ऑफ फर्नीचर्स भी बनाए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोकल पीपल है इस लकड़ी को बेसिकली हर रोज यूज करते हैं, जो कि आग जलाकर खाना पकाते हैं। ये देखिए जंगल के बीच में लोकल मार्केट, यहाँ पे चाय वगैरह बिकते हैं। तो अभी हम लोग चांडुबी का पिकनिक स्पॉट पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से राइट में आपको चांडुबी का पिकनिक स्पॉट मिल जाएगा और स्ट्रीट जाने से चांडुबी फेस्टिवल। तो हम लोग स्ट्रीट जाएंगे क्योंकि हम लोग को फेस्टिवल दिखना है। तो यहाँ से आप लोग रानी कमर पिकनिक स्पॉट भी जा सकते हैं, जो कि आपको लेफ्ट साइड में एक रास्ता दिखेगा, मतलब बड़ा सा साइन बोर्ड भी है। तो देखिए हम लोग अभी पहुंच गए हैं। तो यहाँ से पार्किंग स्टार्ट होता है क्योंकि आज लास्ट डे है, इसलिए आज लोग बहुत ही कम हैं, नहीं तो ये फुल हो जाता है रास्ता। तो यहाँ पे टू व्हीलर्स का पार्किंग है लेकिन आगे जाके फोर व्हीलर्स का पार्किंग है। ये 20 रुपीज का पार्किंग है। देखिए टिकट। ये देखो मेरे हस्बैंड को ये हेलमेट हमेशा गिराते रहते हैं।
चलो पार्किंग हो गया, अभी यहाँ से हम लोग चल के जाएंगे। सो दिस टाइम ज़्यादा कुछ बना नहीं है ये फेस्टिवल में, वैसे तो नॉर्मली ट्री हाउस देखने को मिलते हैं, लेकिन दिस टाइम मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो यहाँ पे अंदर पे मार्केट्स वगैरह है, तो यहाँ पे स्टेज है जहाँ पे रावा डांस और एनी सेरेमनी रिगार्डिंग द चांदवी फेस्टिवल होता है। तो यहाँ से कपड़े का दुकान स्टार्ट होता है। ये देखिए ये मेखेला है, ये प्योर कॉटन का है, तो मैंने 2 पीस लिए हैं मेरी सासू माँ के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादातर रावा ड्रेस ही दिख रहा है। यहाँ पे देखिए चांदबी बिल है, तो चांदबी का पिकनिक यहाँ से भी दिख जाता है। देखिए आदमी लोग बोटिंग कर रहे कितने मज़े से। ओके, फाइनली हम लोग अब खाना खाएंगे। देखिए मेरा हस्बैंड कितना उतावला हो रहा है खाना खाने के लिए, इसको तो बहुत ही भूख लगता है।
तो हम लोगों ने खाने में पॉर्क और फिर स्नेल और ये देखिए बनाना लीफ में ये राइस बना है। तो उसके साथ में साइड डिशेस में बहुत सारे जो लोकल सब्जियां है लाइक कोसू चटनी एंड सम वेजिटेबल्स वो सर्व किए गए थे। हम लोग का खाना हो गया है फाइनली, अभी हम लोग घर जा रहे हैं। तो जाते जाते हम लोग कुछ सामान वगैरह भी ले लिया है। एनीवेज गाइस, मेरा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।